और ये छोटा सा हमने एक प्रोडक्शन हाउस खोला है, चाहते हैं कि उसको अपनी शुभकामनाएं दें। पहले तो उपस्थित सभी गेस्ट ये वालों को मेरा प्रणाम। होप कि आप सब और आपके घर वाले सब सेफ हैं। तो और कुछ ऐसा चल रहा है आजकल, चिंता मत करिए। पहले मुझे थोड़ी सर्दी लगी लेकिन वो एक एलर्जी है, मैं अभी कुछ बच्चों के साथ खेल के आया हूँ तो डरने की कोई बात नहीं, मास्क है मेरे पास। पहले तो मैं आबिद भाई, संजीव और साहिल को कंग्रेचुलेट करना चाहता हूँ। आई एम श्योर आबिद भाई ने कहा कि शुरुआत छोटी हुई है लेकिन हर चीज़ की शुरुआत छोटी होती है। एंड हम सब आपके वेल विशेस हैं, यहाँ पर सपोर्ट हमारा ऑलवेज रहेगा आपके साथ। आई एम श्योर कि आप बहुत करेंगे। एक और चीज़ आबिद भाई ने कही है, ये ऐसी फिल्में बनाना चाहते हैं जो यूथ को, बच्चों को प्रोत्साहित करें रिगार्डिंग में। आजकल इतना कंटेंट बन रहा है लेकिन इतना क्या शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं जो हमारे यूथ को करप्ट कर रही है। एंड आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि ऐसी प्रोडक्शन हाउसेस का निर्माण हो जो एक्चुअली गुड क्लीन कंटेंट बनाए। एंड इंशाल्लाह मैं भी एक प्रोजेक्ट का हिस्सा बनूंगा आगे जाके। अगर आप ने कुछ हंसाया रुलाया कुछ, क्योंकि मैं अभी आ रहा हूँ, मिस कर क्या दिया। अच्छा अच्छा All the best to everybody who associates with this production house, and I wish all of you good health and your family members good health as well. अब मैं चाहूँगा सुनील सर स्टेज पे आएं। हालांकि सुनील सर हमेशा हंसाने के लिए जाने जाते हैं और अतुल सर से भी बोला कि मैं शायद लेट आया हूँ, आपको हंसाया नहीं हंसाया, तो क्या कहना चाहेंगे सर इस बारे में? अब ये कमाल खान यहाँ पर बैठा कल सर से पट्टी बांध कर मुझे मिला, लगा क्या होगा। पुष्पा जो जब से देख कर आया हूँ एक ही डायलॉग बोल रहा हूँ, पुष्पा पुष्पा राज मैं झुकेगा नहीं साला। ये पट्टी क्यों लगी? बोले पड़ोसन ने अपने पति को गमला फेंक के मारा था, वो तो झूठ गया, मैं ही झूठा। तो भैया ख्याल रखना चाहिए। और अब अगर आपने मुझे कुछ कहने के लिए बोल ही दिया है तो अश्मित भाई सामने खड़े हैं। कोरोना में दो लोगों का बड़ा नुकसान हुआ, खासकर अश्मित भाई के जो को स्टार है इमरान हाशमी साहब। उनको ऐसी जगह पे मास्क पहनना पड़ा जो उनका मेन धंधा था। और सनी लियोनी के लिए खुशी की खबर है कि कोरोना का थैंक्स कहना पड़ेगा कि उसके चक्कर में ही सही मास्क तो पहना कम से कम। तो ये हमारे कोरोना में बहुत सारी बातें हुई लेकिन अब धीरे धीरे मार्केट खुल रहा है और हम सब यहाँ पर जैसे कि माधव फिल्म्स और ब्लैक एंड वाइट की फिल्म का मुहूर्त होने जा रहा है अबीर भाई की तरफ से। अबीर भाई भी बहुत प्यारे इंसान है, बहुत ही गुड लुकिंग इंसान है, बहुत ही हैंडसम इंसान है, ऐसा उनका खुद का मानना है। पर उनका काम देख के हम भी मानने लगे, बंदा दिल का साफ है और दिमाग का भी साफ है, मतलब दिमाग में भी कोई गंदगी नहीं, इसलिए इनके प्रोजेक्ट में कोई गंदगी नहीं, काम में कोई गंदगी नहीं, साफ सुथरा काम करेंगे। और मुझे लगता है कि जल्दी ये सपा ज्वाइन करेंगे, तस्तर से सपा काम कर रही है, सपा सपा काम कर रही है। अब आप सोचोगे कि सपा की तारीफ मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मैं भी एसपी हूँ सुनील पाल। लेकिन राजनीति की बात आज हम नहीं करते हैं, हम कलाकारों की बात करते हैं। अश्मित भाई को देख रहे हैं आपकी मास्क पहने हुए, ये रेगुलरली नियम का पालन करते हैं, बहुत अच्छी बात है, जोरदार तालियां। लेकिन कभी कभी ये इतनी ज़्यादा अतिशोक्ति हो जाती है कि बातचीत करते वक्त के सामने वाले के सामने ये मास्क नहीं निकालते, उनका ये कौन सा कम्युनिकेशन है? बोले मास्क कम्युनिकेशन। एक बार तो कॉफ़ी मिले तो मास्क के ऊपर कॉफ़ी पी ली, उनका ये कौन सी कॉफ़ी? बोले फिल्टर कॉफ़ी। अब
क्या है WHO जो है, एक कोई कंपनी है WHO जो जो डराने का काम करती है। जैसे हम लोग कोरोना वहां से फ्री हुए, चलो भाई कोरोना वहां से फ्री हो गए, कोरोना टू आ रहा है वहां से फ्री हुए, ओमिक्रॉन अब पता नहीं कौन सा कोरोना आएगा। लेकिन मैंने कहा ओमिक्रॉन दुनिया में किसी का कुछ भी बिगाड़ ले, हमारे हिंदुस्तानियों का, हमारे भारतीयों का कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि उसके नाम में, उसके नाम में ओम है, और जहां ओम नाम होता है वहां पर हमारी सुरक्षा हो ही जाती है। क्योंकि अगर तू ओमिक्रॉन है, ओम हमारा क्रॉन है, वो हमारा ताज है, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती और कुछ प्रॉब्लम कभी हो भी नहीं सकती। तो मैं समझता हूँ कि ये जो कोरोना है, इसे जितना नियमों का पालन करना अच्छी बात है, लेकिन डरना वरना नहीं है, काम शुरू करना है, फटाफट शुरू करना है। हमने भी फिल्म बनाई थी लॉकडाउन टू अनलॉक, उसी पीरियड में बना दी थी, तो शिवारों पर स्ट्रीमिंग हो रही है, जरूर देखिएगा, आप भी देखिएगा भाई साहब, शिवारों पर। और बाकी एक छोटा सा एक जोक सुना के मैं आपसे इजाजत चाहता हूँ, कि मुझे पता है कि अब आप और भी कलाकारों को और अभी हमारे मेहमानों को सुनना चाहते हैं। EMI वाले फिर भी चक्कर काट रहे थे, लॉकडाउन लगा हुआ है, कोरोना में सब कुछ बंद है, दुकानें बंद है, महिलाओं का टेंशन, ब्यूटी पार्लर बंद था, ब्यूटी पार्लर का शॉर्ट फॉर्म BP क्यों है मुझे तब पता चला। ब्यूटी पार्लर को हिंदी में क्या कहते पता है आपको? ब्यूटी पार्लर को हिंदी में कहते हैं सुंदर कांड केंद्र, क्योंकि बहुत सारे कांड वहां पे सुंदर होते हैं। मुंडे ने मुझे बताया था, शरीफ हो या गुंडे सबके चाहते हैं रमाकांत मुंडे। मुंडे ने मुझे तो मास का फुल फॉर्म भी बताया, बता दूं मैं सर, MASK मास का फुल फॉर्म है मेरा आपका सुरक्षा कवच। अच्छा देखो मेरे सामने अच्छे से पूछ जाते हैं, तो मैं हाँ, तो EMI वाले जो है वो फिर भी कोशिश कर रहे थे, गवर्नमेंट ने बोला था कि जबरदस्ती मत करना, जिससे मिल जाए तो ले लो और हमें भी दिला दो। तो रमाकांत मुंडे साहब के घर पे गया कोई बंदा और जबरदस्ती करने से तक गाने भी शुरू हो गया, दरवाजा खोलती, हाँ जी कौन हो? अरे इससे से बात कर, अरे किसको बोला? नहीं रिकवरी एजेंट आर ए, हाँ क्या चाहिए? तो अब समझ गया कि गुस्से में, तो गाने भी शुरू हो गया, तेरे घर पर सर हम चले आए, EMI नहीं आया तो हम चले आए, चले आए, कुछ ले आए, कुछ दे जाए। तो उन्होंने कहा भाई देखो मेरे पास कुछ नहीं है, अश्विन भाई के पास ट्राई करो। तो अश्विन का कपूर निकल के उनसे कहते हैं, बिन तेरे कोई आस भी ना रही, पानी पियोगे इतना तड़पे के प्यास भी ना रही। बोले अश्मित के पास नहीं मिला, आबिर के पास नहीं मिला, तो मेरे पास कैसे मिल जाएगा? लेके अपना भरम चले आए। तो इस तरह से भैया EMI वालों ने हर तरह की कोशिश की, जो मिला वो लिया, लेकिन फिर भी हम सभी से, बैंक वालों से, स्कूल वालों से, जितने भी लोग जो फीस लेने का काम कर रहे हैं, खुदा के लिए हमें परेशान करना बंद करें। नो कमाई नो EMI। अगर आपको चाहिए EMI, अगर आपको चाहिए EMI, तो करो हमारी कमाई। अबीर भाई से देखो, अबीर भाई ने हमारी कमाई का साधन ढूंढ लिया है, आज ही हमें वो साइन करने वाले हैं। जोरदार ताली अबीर भाई, आई आई, बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग मुझे बड़े प्यार से सुना, इतना प्यार से मुझे घर वाले भी नहीं सुनते, मुझे लोग नहीं सुन रहे थे वही मेरे घर वाले। उन पर आएंगे सर, इस बारे में कुछ कहेंगे आप? थैंक यू, मुझे बुलाए यहाँ, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ये तारीफ करता है, अच्छा मेरे भाई जैसे है, अच्छा सब्जेक्ट है, 3 शॉर्ट फिल्म ऐसे ही मैंने तैयार किया, तो ये लोग जुड़ गए, ये दोनों बच्चे हैं अभी के, बड़े उनमें जोश है, कुछ कर जाएंगे शायद, तो मुझे लगा कि ठीक है जुड़ते हैं, करते हैं कुछ अच्छा सा बेहतर सर। अभी कंप्लीट हुआ है 3 फिल्म, एक अभी के नई पीढ़ी के लिए है, ब्लैक एंड वाइट नहीं, ये ड्रग्स पे बेस्ड है। दूसरी जो है वो सेकेंड गॉड है, जो अभी की तारीख में कुछ डॉक्टर क्राइम करते हैं, कुछ डॉक्टर सब नहीं, उस सब्जेक्ट पर बेस्ड है। और
जो तीसरी वाली है वो गॉड फादर, वो है फादर जो वृद्धाश्रम में है, माँ बाप को ले जाके हम छोड़ देते हैं कई बार। तो ये तीनों सब्जेक्ट अभी जो है कम्प्लीट है, बहुत जल्द ये किसी न किसी एक अच्छे बेहतर डिजिटल प्लेटफॉर्म में आए। आप सबका धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। अब जिनकी वजह से आप सब यहाँ हैं, जिन्होंने ये आइडिया दिया कि आपको ये करना चाहिए, मैं उनको बुलाने जा रहा हूँ। उनका नाम है कल्याण जी जाना, प्लीज वेलकम। इन्होंने ही कहा कि आपको कुछ ऐसा करना चाहिए, हमेशा काम करते रहते हैं, कभी कोविड के दौरान, कभी किसी और चीज को लेकर के। हर इंसान में अच्छाई और बुराइयां दोनों होती हैं, चुनना आपको है कि आप किसे चुनते हैं। सर कुछ कहेंगे हमारे बारे में? अभी भाई को जब मैंने मिला था, सबसे पहले मैं ऐसा लगा मेरा भाई मुझे मिल गया। इस मुंबई शहर में भाई मिलना बहुत मुश्किल है, रिश्ता मिलना बहुत मुश्किल है, लेकिन जब मिलता तो धमाकेदार मिलता है। मैं सबसे पहले तमाम यहाँ पर जो मेहमान हैं उन सभी को मैं नमन करता हूँ सर झुका के, तमाम मीडिया को मैं नमन करता हूँ, मेरे गुरु सुनील पाल जी को मैं नमन करता हूँ, आसिफ पटेल साहब जो एक बेहतरीन कलाकार है, एक अच्छे इंसान है, एक अच्छे फिटनेस के महारथी है। इसके अलावा एक ऐसा नाम ही काफ़ी है, नाम ही बोलता है, नाम ही काम है, नाम है ओनली वन आसिफ पटेल साहब। थैंक यू सो मच सर, आप हमारे साथ हैं, बहुत अच्छा लगता है जो आप हमारे साथ आज बैठे हैं। मेरे बड़े भाई विशाल भगत साहब, थैंक यू सो मच। मैं कल इतनी बोलना चाहता हूँ, ताहिल कमल खान सर थैंक यू सो मच, बेरू जैन थैंक यू सो मच। ये जो प्लेटफॉर्म है, ये प्लेटफॉर्म जो सर ने जब तैयार किया, मैंने कल इतनी बोला सर आप मीडिया के महारथी हैं, मतलब अच्छे अच्छे पॉलिटिकल लीडर, अच्छे अच्छे स्टार, अच्छे सभी का आप इंटरव्यू लिया है, लेकिन आज आप प्रोड्यूसर बनने जा रहे हैं। जैसा आपने वहां पे नाम कमाया, झंडा गाड़ा है, और इधर भी आप झंडा गाड़ेंगे सर, क्योंकि आपकी नीयत साफ है, आपकी जबान साफ है, आपके दिल साफ है, आप काम करने का तरीका जो है आपका एकदम सामने है, दिशा एकदम साफ है, तो आपका काम भी अच्छा ही होगा। महादेव के आशीर्वाद से अगर इतने बोलना चाहता हूँ सर, मैं भी कलाकार हूँ, आप प्रोड्यूसर हैं, चाहे आपका दोस्त हो लेकिन काम तो चाहिए हमें, तो एक छोटा सा भाई हूँ मैं आपका, हमें भी काम दीजिए। और जो इस मुंबई शहर में आते हैं स्ट्रगल करने के लिए, जिनके पास काम का वो थी सही में उसको काम चाहिए, तो प्लीज़ उनको काम दीजिए, क्योंकि वो ऐसे कलाकार बहुत भटक रहा है, काम नहीं मिल रहा है, से भटक रहा है और माँ बाप को झूठ बोल रहा है, तो प्लीज़ आप उनको काम दीजिए। आपको उस माँ बाप का दुआ मिलेगा, उन गुरु का दुआ मिलेगा, उन परिवार का दुआ मिलेगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। जहाँ जहाँ भी अजमेर सर जाते हैं, उनका एक साये है हमेशा, उनके साथ ही रहते हैं, उनके भाई समझ लीजिए, दोस्त समझ लीजिए। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ धनेश सर की। सर प्लीज आए। सर जब भी मिलते हैं तो वो बातें ही अलग होती हैं, जब भी इनसे मिलना होता है, जब मिलेंगे अच्छी बात करेंगे, अच्छी सीख देंगे, क्योंकि हमारे लिए तो शहर नया है, हम तो यहाँ किसी को जानते नहीं थे, लेकिन आज ऐसे रिश्ते हो गए हैं, मेरे बहुत सारे भाई यहाँ पर हैं। सर प्लीज दो शब्द। कंग्रेचुलेशंस फर्स्ट ऑफ ऑल, आई थिंक आपको दो तीन चार साल से आई थिंक मैं जान रहा हूँ, आई हैव सीन यू ग्रोइंग एंड आई विश कि आप अच्छे से आगे लेके जाओ इसको, एंड वी विल बी वर्किंग टुगेदर, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द प्रोजेक्ट। यहाँ पर एक बड़े ही अच्छे हैं, राइटर भी हैं, फरहत महमूद साहब, वो कहाँ है दिखाई नहीं दे रहे हैं, प्लीज स्टेज पर आए, बड़े ही अच्छे अच्छे गाने उन्होंने लिखे हैं, अभी यही थे, आइए सर प्लीज, अगर आवाज सुन पा रहे हैं आप। अरफा सर आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? शायद जी हैं कहीं। आबिर भाई को मैं तकरीबन चार साल, चार या पाँच साल से जानता हूँ, उससे ज़्यादा होगा शायद, और जिस प्रकार के इंसान हैं आई थिंक कि सबको पता हो गया होगा अब तक, क्योंकि सब जो हमारे गेस्ट आए हैं आज इन्हीं की वजह से आए हैं, इनकी जो गुडविल है
एक जैसे सुनील भाई कह रहे थे क्लीन इंसान है, बहुत ही प्योर इंसान है, और आई थिंक आज की डेट में ऐसे इंसान से मुलाकात करना मिलना बहुत कम होता है, एंड ऐसे रिलेशंस बनाए रखने में मैं बिलीव करता हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे आज आया हूँ इनके इनके लिए एक बहुत अच्छा प्रोडक्शन हाउस खोल रहे हैं, जैसे कि उन्होंने कहा कि क्लीन कंटेंट करना चाहते हैं ये, जैसे क्लीन इंसान ये है क्लीन कंटेंट करेंगे, तो आई लाइक टू विश हिम ऑल द बेस्ट, शुभकामनाएं मेरी हमेशा रहेंगी आप सबके साथ, एंड लाइक आई सेड कि इंशाल्लाह आगे जाके हम लोग साथ में भी काम करेंगे, एंड या जस्ट विश हिम ऑल द बेस्ट। ये तो कहना चाहूंगा, ये तो आविर भाई की बात हुई, आप मीडिया इंडस्ट्री से एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में आ रहे, तो आपका सपोर्ट कितना रहेगा आगे चल के, आप इनके प्रोजेक्ट में काम करने के लिए कितने उत्साहित हैं या क्या कहना चाहेंगे, किस तरह के प्रोजेक्ट चाहते हैं कि ये बनाए आगे चल के? जैसे मैं अभी कह रहा था कि क्लीन कंटेंट की बहुत कमी है और ज़रूरत है, एंड आई थिंक कि अगर ऐसा कुछ इनके पास हो जो वो मेरे पास लाते हैं तो डेफिनेटली मैं इनके साथ काम करूँगा, एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट, एंड आई थिंक इट्स अ ग्रेट थिंग कि आप ऐसा कर रहे हो। मेरा हमेशा अच्छा रिलेशन रहा है मीडिया के साथ, मैं थोड़ा सा मीडिया शाय हूँ, इतना मैं पीआर वगैरह में बिलीव नहीं करता हूँ, इसलिए लोग सोचते हैं कि मैं गायब हो जाता हूँ, लेकिन मैं हमेशा से काम करते आ रहा हूँ, मेरा कोई पीआर एजेंट कभी रहा नहीं है, आई डोंट थिंक कि आगे जाके भी मेरा कोई पीआर होगा, लेकिन आप लोगों ने हमेशा मुझे प्यार दिया है, स्टार्टिंग में काफ़ी कॉन्ट्रोवर्सीज हुई थी मेरी, लेकिन आई थिंक दैट्स 15-20 साल पहले की बात है, बट तब भी मुझे सपोर्ट मिला था आप लोगों से, तो आई एम वेरी वेरी थैंकफुल टू ऑल ऑफ यॉल, एंड बस आप लोगों के हाथ में बहुत ज़्यादा पावर है टू शोकेस द राइट थिंग्स, एंड आई थिंक अगर आप लोग इस पावर का सही इस्तेमाल करें तो वी कैन मेक आर कंट्री प्रोग्रेस अ लॉट। देखिए मैंने छोटी सी शुरुआत की है, हम लोगों ने तीनों ने मिलके, हमने साहिल ने संदीप ने और आप सब लोगों ने अपना टाइम दिया है, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, इनको लगा कि हाँ वाकई में मैं कुछ अच्छा करना चाहता हूँ, काफ़ी पुराने रिलेशन है, जब मैं मुंबई आया था पहली बार तब अस्मित जी से मिला, कभी ऐसा लगा ही नहीं कि ये एक स्टार है, हमेशा भाई की तरह प्यार दिया, उसमें जितने भी लोग यहाँ पर हैं सभी ने बिल्कुल रिलेशन भाई का रखा मेरे साथ। देखिए आज की डेट में डिजिटल वर्ल्ड बहुत आगे चला गया है और आने वाला भी टाइम सिर्फ और सिर्फ डिजिटल का है, लेकिन डिजिटल पे दिया क्या जा रहा है, समाज में इसका क्या संदेश है? बहुत सारी चीज़ें पहले भी होती थी, ऐसा नहीं है कि गंदगी पहले नहीं थी, पहले भी थी, आज भी है और हमेशा रहेगी, तो हमारी कोशिश ये होगी हम उस लीक से थोड़ा सा हटके चलें, हम कुछ ऐसी चीज़ें बना करके दें जिससे लोग, एक बाप अपने बेटे को कहे कि उसको ज़रूर देखना, या बेटा अपनी बहन से कहे, सॉरी, या बेटा अपने माँ से कहे, भाई अपनी बहन से कहे, एक ऐसा प्रोडक्ट हम बना करके देना चाहते हैं। देखिए हमारी जो भी थीम होगी वो सिर्फ और समाज के लिए संदेश होगी, वो किसी भी टॉपिक पर हो सकती है। सर आपका इंट्रोडक्शन चाहूंगा और अमीर भाई के बारे में और अस्मित सर के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? सर आप जी, मैं सर प्लीज कैमरा, आज मेरी फर्स्ट टाइम पहली मीट आपके साथ, तो पहले तो सबको नमस्कार मेरी तरफ से, और मैं ज़्यादा कुछ बोल नहीं पाऊँगा, वैसे तो मैं जानता हूँ कि मैं जब मुंबई में आया था तो वीर भाई मेरे पहले दोस्त थे, तो हम 2 साल से साथ में हैं, तो जो भी है बस चल रहा कर रहे हैं, इंशाल्लाह सब अच्छा ही होगा। सभी को नमस्कार मेरा, जैसे कि हम भी साथ में थे साहिल और मैं, और हमारी अभीर भाई से दोस्ती आ रही, और हम बहुत समय से सोच रहे थे कि कुछ नया करें, कुछ चालू करें, ऐसा जो कुछ मैसेज रहे या ऐसा कुछ रहे, तो वो सोच से हम आगे बढ़ते गए और धीरे धीरे हमारी लाइनें बनी और हमने इस चीज़ पे काम किया माधव मूवीज़ पे, और माधव मूवीज़ प्रोडक्शन चालू किया,
और इंशाल्लाह चाहते हैं कि सब आगे अच्छा चले। सर ये भी कहना चाहूँगा कि जैसा आपने कंट्रोवर्सी की बात की, आपने आपने कभी अच्छी फिल्में भी की हैं 16-17 साल जो भी आपका करियर रहा है इतना, लेकिन एक न्यूज़ पब्लिकेशन ने ये भी पब्लिश किया है कि आप फेमस रहे कंट्रोवर्सी की वजह से ज़्यादा, बसरते फिल्म इसी पर बात करें तो आप इतना मानते हैं इस चीज़ को, आपका जो फेम फैक्टर है इतने सालों में, आप बताइए आपको क्या लगता है? सर वो आप बताइए, क्या कोई इंसान सिर्फ कॉन्ट्रोवर्सी से अपना करियर 16 कितना साल का, कितने साल का आपने? मोर देन 18, आई थिंक 19 ईयर्स हो गए। आपको लगता है ऐसे हो सकता है? आई थिंक यू हैव योर आंसर। लास्टली सर, बिग बॉस इज रनिंग एंड अभी जी यू वेयर पार्टिसिपेंट, अरे बिग बॉस के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? ही पढ़ाओ पहले बिग बॉस जी। करण के बारे में, करण कौन? मैं देखता नहीं हूँ तो आई हैव नो आइडिया गाइस। शो में फिल्म के बारे में बताइए, जो शूट कर रहे हैं उसका क्या सब्जेक्ट है? व्हेन इट बी, फिल्म का नाम है ड्रीमी सिंह और टाइटल रोल मैं कर रहा हूँ सिंह साहब का। एक एक्स पुलिस ऑफिसर है जो एक डिटेक्टिव एजेंसी चला रहा है। एक आदर्शवादी पुलिस ऑफिसर था, लेकिन ऑब्वियसली मैं पता है कि जब कोई अच्छा काम करना चाहते हैं तो वो लोगों को दबाया जाता है, तो उसी वजह से उसने पुलिस फोर्स छोड़ा है, डिटेक्टिव एजेंसी खोली है। और पुलिस में उनके जो एक्स कॉलीग्स हैं, एक बहुत ही एक सीरियल किलर्स का दौर चल रहा है एंड पुलिस इज एक्चुअली फ्लमक्स की ये हो क्या रहा है वो सॉल्व नहीं कर पा रहे, तो मुझे कॉल करते हैं उस केस में थोड़ी सी सहायता देने के लिए। तो ये मोटा मोटा, आई कांट रिवील टू मच, बहुत ट्विस्ट एंड टर्न्स है और इंटरेस्टिंग लोकेशंस वगैरह सब बहुत ही इंटरेस्टिंग है, प्यारी फिल्म बनी है। अभी जी आप क्या कहना चाहेंगे अस्मित जी का, जो कौन सी फिल्म में है अस्मित जी का किरदार किस तरह का रहेगा और क्या रोल रहेगा? देखिए उसके लिए कोई अच्छी सी कहानी देखी जाएगी, उसको समझा जाएगा। अगर वाकई में कोई ऐसी कहानी मिलती है जो एक समाज को संदेश दे और उसमें अस्मित जी फिट होते हैं उस रोल में, तो हम जरूर अस्मित जी के साथ में काम करेंगे। श्योर। कोई ऐसा रोल है जो आज तक आपने नहीं किया आपको, हम मुझे रोल करना है ड्रीम प्रोजेक्ट के लिए? कॉमेडी करना चाहता हूँ सुनील भाई के जैसे, अभी तक फुल ऑन कॉमेडी फिल्म नहीं की। थैंक्स, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। तो क्या करना चाहेंगे कि माधव मूवीज के माध्यम से जो वो कंटेंट क्रिएट करना चाह रहे हैं, कितनी अच्छी बात है, साफ सुथरा कंटेंट क्रिएट करना चाहिए। माधव मूवीज का आज भव्य शुभारंभ हुआ है, इस श्री गणेश के लिए, इस बिस्मिल्लाह के लिए मैं समझता हूँ कि हम सब बड़े खुश हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छी शुरुआत हुई है और माधव फिल्म के ज़रिए जैसा कि अभीर भाई ने बताया बहुत सारे नए नए प्रोजेक्ट आने वाले हैं, खासकर ब्लैक एंड वाइट का तो आज ही अनाउंसमेंट भी हो गया। साफ सुथरा काम करने की उन्होंने ठानी है जो कि आज के ज़माने में बहुत ज़रूरत है। कम लोग हैं लेकिन ज़रूरत बहुत है, ज़्यादा ज़रूरत है, लोग कम है साफ सुथरा काम करने वाले। तो अभीर भाई को और पूरी टीम को मैं बधाई देता हूँ। उनके साथ हमारे दोस्ती और पारिवारिक रिलेशन जो है वो पिछले 10 साल से हैं, बहुत सारे इंटरव्यूज़ उन्होंने हमारे लिए और बहुत मज़ा आता है उनके साथ में इंटरव्यू करने में। बहुत अच्छे अच्छे सवाल करते हैं जो कलाकार को के दिल को छू जाते हैं और कलाकारों के जो दिल के जो पहलू है वो सब बाहर प्यार से उजागर करने का हुनर उनके पास में है एक पत्रकार होने के नाते। तो मैं अभीर भाई को बहुत बधाई देता हूं और उनकी टीम को जो मैं देख रहा हूं सबके सब यंग है, यूथ है और इस वक्त यूथ और यंग लोगों का बोलबाला है। चाहे आप OTT प्लेटफॉर्म पर जाइए, चाहे आप फिल्मों में जाइए, जहां पर भी जाइए, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये टीम बहुत ही सक्सेस होने वाली है क्योंकि इनके मन में, इनके तन में, इनके काम में जोश है, जुनून है और जिसके पास में ईमानदारी हो, जिसके पास मेहनत हो, ऊपर अल्लाह, ईश्वर, अल्लाह, जीसस, वाहेगुरु सब उनका साथ देते हैं। तो मुझे लगता है कि मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं, आप जियो हजारों साल और हजारों प्रोजेक्ट करते रहे हर साल, यही तहे दिल से दुआ दे रहे सुनील पाल। कल्याण भाई आप बोले क्या कहना चाहेंगे इनके प्रोडक्शन हाउस के बारे में जो लॉन्च हुआ और काफी सहयोग भी करते हैं आपको, हर इवेंट पे आप उनको आमंत्रित करते हैं और सहयोग करते हैं, इनके बारे में व्यक्तित्व और जो जर्नलिस्ट के तौर पे किस तरह के लगे आपको? सबसे पहले अभीर भाई को मेरा नमस्कार और मीडिया को मेरा नमस्कार। अभीर भाई को मैंने काफ़ी सारा अवार्ड दिया है मेरे अवार्ड शो में और इसलिए दिया क्योंकि वो व्यक्ति अवार्ड की विनर का लायक है और वो इंसान जो है एक कर्मवीर है, तो कर्मवीर की तरह काम कर रहे हमारे इस मुंबई शहर में। और मैं खाली महादेव को इतने बोलना चाहता हूँ, इस इंसान को इतना ताकत दो वो और फिल्म बनाए और अच्छा काम करे और हम जैसे कलाकारों को काम दे, बाकी जो कलाकार उनको भी काम दे। और साथ में मेरे साथ बैठे हैं मेरे गुरु सुनील पाल और कमाल खान
बिसल ये भगत साहब मेरे भाई मेरी जान, इसके बाद मेरी गुरु जो आए हैं हमारे पुनीत कुमार भरद्वाज सर, वो भी यहाँ पर आए हैं। पुनीत सर कहाँ हैं? थैंक यू सर गुरुजी, एंड थैंक यू भैरू जैन जी मेरे पार्टनर, और तमाम मीडिया कर्मचारी, हमारी DPIF की टीम है, दादा साहेब फाल्के आइकॉन नंबर फिल्म्स बोल के हमारा ऑर्गेनाइजेशन है जो हिंदुस्तान का पहला ऐसा ये NGO है जो दादा साहेब फाल्के जी के नाम से है। तो ये दादा साहेब फाल्के जी में जितने भी हमारे NGO में मेम्बर है उन सभी की तरफ से, इन सभी की तरफ से आज आबिर भाई को ऑल द बेस्ट। आप करो DPIF पूरा संस्था, मेरी पूरी ऑर्गेनाइजेशन पूरा आपके साथ है, एंड थैंक यू सो मच आबिर भाई, आपकी टीम को मेरा ऑल द बेस्ट, एंड थैंक यू ऑल मीडिया, एंड थैंक यू मेरा ऑल जितने भी यहाँ पर गेस्ट हैं उन सभी का मेरा प्रणाम, धन्यवाद, जय हिंद, हर हर महादेव। सबसे पहले आबिर भाई को मेरी तरफ से बहुत शुभकामनाएं। आबिर भाई हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं, जैसे कि ऑलमोस्ट सभी मीडिया वाले मित्र मित्र हैं। तो कोई भी इंसान जब किसी काम की शुरुआत करता है तो कहते हैं ना कि अगर कोई ऊपर से गिर रहा होता है तो वो खुदा की पनाह में आ जाता है, तो खुदा उसको गिरने नहीं देता है। जब इंसान अपनी एक कोशिश करता है तो कभी ना कभी उसकी कोशिश सक्सेस ज़रूर होती है। तो आबिर भाई मीडिया कर्मी बड़े अच्छे हैं, तो इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि ये फिल्म मेकिंग भी बहुत अच्छी करेंगे और पूरे वर्ल्ड में अपना नाम करेंगे, और अपने साथ साथ और भी इनके साथ में जितने भी नए पुराने सभी तरह के कलाकार जुड़े हैं उन सबका नाम होगा। मेरी तरफ से बहुत सारी दुआएं, बहुत सारा प्यार, और ये इसी तरह से काम करते रहें ज़िंदगी में, अपना पूरे वर्ल्ड में नाम करते रहें, बहुत सारी दुआएं और बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, लव यू गाइस। सर आप क्या करना चाहेंगे और राजनीति का हिस्सा हुए हैं तो किस तरह से आप अपनी तरफ से सहयोग करेंगे इनको? सबसे पहले उत्तर प्रदेश यानी उत्तम प्रदेश से आए हुए आबिर भाई का मैं स्वागत करता हूं कि उत्तम विचार लेके ये माधव मूवीज के द्वारा संदीप जी हो गए, उनके सहयोगी साहिल जी और जितने भी मीडिया कर्मी हैं उनको मैं इनके OTP प्लेटफॉर्म में जो वेब सीरीजों के माध्यम से 3 मूवी ऑलरेडी बना चुके हैं इनको मेरा बहुत बहुत शुभकामनाएं, ताकि जो उत्तम विषय है उसको लोगों तक पहुंचाएंगे, ऐसा मुझे उम्मीद है। मैं फिर से उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। सर हमने यही सोचा है कि कुछ अलग मैसेज दिया जाए और इसीलिए हमने माधव मूवीज़ का प्रोडक्शन हमने स्टार्ट किया है। तो अभी तो शुरुआत है, अभी हमने 3 मूवियाँ बनाई हैं और 2 और आगे आने वाली है, उस पर भी काम चल रहा है। तो ऐसे ही हम काम करते रहेंगे और आपकी दुआ